आपके पास 15.3 के अंदर हम डेरिवेटिव्स के अंदर प्रोडक्ट फार्मूला यूज करते हैं। प्रोडक्ट फार्मूले के अंदर जब दो फंक्शंस क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो u into v, तो क्या होगा, एक फंक्शन बाहर आएगा, दूसरा डेरिवेटिव होगा प्लस दूसरा बाहर आएगा पहले वाला डेरिवेटिव होगा। सही है, ये असाइनमेंट के बाद। अच्छा, इसके एक दो क्वेश्चंस कर लिए थे हमने। हम अब फॉर एग्जांपल हम करते हैं कोई सी पार्ट कर लेते हैं, ई पार्ट कर लेते हैं। ई पार्ट के अंदर एक्स स्क्वायर और 1 - 4x³। सही, अब जब मैं इसको डिफरेंशिएट करना है इस क्वेश्चन को, किसको, एक्स स्क्वायर इंटू 1 - 4x³। अब इस क्वेश्चन को मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मुझे कह रहा है डिफरेंशिएट करें। अब मैं इसको किस तरह से करूं, मैं प्रोडक्ट फार्मूला तो जानता हूं, यानी यू बाहर आएगा वी डेरिवेटिव होगा प्लस वी बाहर आएगा यू डेरिवेटिव होगा। सही है, अब जब मैं इसके डेरिवेटिव का वे जानता हूं, तो मैं आप सबसे पहले क्या करूं, मैं आपको कह रहा बिल्कुल बेसिक टेक्निक से करेंगे। आप यू को क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर ले लें, वी को आप क्या करते हैं 1 - 4x² का 4x³। अब u डैश निकाल लें, इसको डेरिवेट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो u डैश आ जाएगा। आप डायरेक्ट लिखें u डैश, ये इसका डेरिवेट कितना आएगा, 2x आ गया। और बिल्कुल इसी तरह से इसको डेरिवेट v डैश, इसको डेरिवेट करेंगे, पावर नीचे उतरेगी, पावर में क्या होगा, अब ये डायरेक्ट समझ में, किसी को अगर नहीं आ रही तो मुझे बता दीजिए बिल्कुल क्लियर। पावर में एक लेस हो जाएगा और अंदर वाला होगा 1 का क्या आएगा, 0 का 4x का 4 × 1 आ जाएगा। तो ये मैंने v डैश आपके पास क्या आ जाएगा, -12 और आपके पास क्या आ जाएगा, 1 - 4x² आ गया। ये आपके पास क्या आ जाएगा, v डैश आ जाएगा, क्या आ जाएगा, v डैश आपके पास क्वेश्चन के अंदर आ गया। u डैश भी आपके पास आ गया, v डैश भी आपके पास आ गया। अब आपने क्या यूज करना है, आपने आपके पास क्या प्रोडक्ट फार्मूला यूज करना है। प्रोडक्ट फार्मूला क्या कहता है, प्रोडक्ट फार्मूला यू बाहर बैठेगा वी डेरिवेटिव होगा प्लस वी बाहर बैठेगा यू डेरिवेटिव। अब सबसे पहले यू लिख दी, यू क्या एक्स स्क्वायर और वी डैश क्या, वी डैश इंटू -12 और 1 - 4x² आपने लिख दिया प्लस, और आपके पास वी क्या है, अब आपने वी लिख देना है, वी आपके पास क्या है, यहां पर वी आपका है 1 - 4x³ और आपके पास क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा मैं इधर जगह, और आपके इसके यू डैश आपके इसका 2x आ गया। थोड़ा सा इसको नॉर्मलाइज कर ले, नॉर्मलाइज क्या हो रहा है, इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, 2x और 1 - 4x² कॉमन। सिर्फ डेरिवेट नहीं करना, हमने उसको अलजेब्रा भी करना है, और ये -3x आ जाएगा यहाँ पे, और वहां पे अगर +1 - 4x आ जाएगा, क्योंकि कॉमन निकाल लेंगे आप। अब जब कॉमन आएगा तो 2x मल्टीप्लाई बाय 15.3 हम प्रोडक्ट फार्मूला यूज कर रहे हैं। प्रोडक्ट फार्मूला की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं 8-10 क्वेश्चन आपको करवा के इसके प्रैक्टिस आपको करा दो, फिर क्वेश्चन फार्मूला यूज करेंगे, क्योंकि हम जरा थोड़ा सा लेट हो गए इस टॉपिक के क्लोज करने में। सही है, क्योंकि ये 15 चैप्टर में फिर रिपीट कर रहा हूँ, बहुत अच्छा होना चाहिए। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में असाइनमेंट दी थी, किस किसने किया था, 15.1 15.2 मैंने दी थी, दो एक्सरसाइजेस दी थी, आप लोगों ने की थी, जिन बच्चों ने कर लिए बहुत अच्छे, एक एक क्वेश्चन करें, और नहीं है वीडियोस मौजूद है, वीडियोस क्वेश्चन 10 से 14 तक नहीं हो रहा। क्वेश्चन कौन सी एक्सरसाइज का 10 से 14 तक नहीं हो रहा बेटा, सर 15.1 का 10 से 14 क्वेश्चन, 15.1 एक मिनट, मैंने करवाया कि नहीं करवाया, एक मिनट बेटा, नहीं करवाया सर, होमवर्क दिया था यार, बोल बताओ तो सही, मुझे एक मैसेज तो किसी ने किया था, तला तुमने किया, आपका नाम क्या बेटा, मैंने किया था सर, हमजा, हमजा, अच्छा हमजा बेटा, ये देखो आप, सॉरी यार, प्रोडक्ट फार्मूला मैंने करवा, एक दो क्वेश्चन मुझे प्रोडक्ट के करवाने दो, मैं बस आफ्टर प्रोडक्ट में आपको एक दो क्वेश्चन और करवा दूं मैं प्रोडक्ट के, अब ये मैं एक और क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन और करवा दूं और प्रोडक्ट के, फिर मैं दोबारा उस पर आ जाऊंगा आपके, जो आपके क्वेश्चन विदाउट हेजिटेशन बता दिया करेक्ट हो, कोई इशू नहीं है, मैं आपको करवाऊंगा, कोई मसला नहीं। अब प्रोडक्ट का ये भी हम एक क्वेश्चन करते हैं, जो नहीं होंगे आप बताएं, क्योंकि देखिए मैंने आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 15 चैप्टर आपके लिए बहुत असेंशियल है, बहुत असेंशियल है, क्योंकि आगे 22 तक बेसिक डेरिवेटिव 15 में क्लोज हो जाते हैं। सही, अब इसको आपने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, जब डिफरेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x + 4 मल्टीप्लाई बाय 1 - 1/2x² अब बेटा इस चीज को आपने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, और इधर आपके अब आप लेट कर लेंगे, लेट आपके क्या होगा, यू क्या है, यू आपके एक्स स्क्वायर माइनस 3x + 4 है आपके, और v क्या है बेटा, v आपके क्या 1 - 1/2x² सही है, ओके, u डैश आपके पास क्या आ जाएगा, u डैश 2x - 3.1 + 0 आ जाएगा।
तो u डैश आप कैसे आ जाएगा 2x माइनस 3 आ जाएगा आपका, ये u डैश आ गया। इस तरह v को डेरिवेट करें दोनों तरफ v डैश आ जाएगा, इधर पावर नीचे उतरी 1 माइनस 1 अपॉन 2 x की पावर 1 हो जाएगी और फिर अंदर वाला डेरिवेटिव होगा 0 माइनस 1 अपॉन 2 इनटू 1। अच्छा इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपके इसका माइनस मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 अपॉन 2 x आ जाएगा v डैश आपका आ गया। सही, ये v डैश आ गया, u डैश और v डैश मेरे पास आ चुका है। अब मेरे फॉर्मूला लिखना है और फॉर्मूले के अंदर ये फॉर्मूला क्या है मेरे पास, फॉर्मूला मैं इधर दिस इंप्लाइज द फॉर्मूला लिख लूं, u मल्टीप्लाई बाय v आपके इसके आगे u into v dash plus v into u dash आपके साथ। अच्छा u क्या आपके पास, u आपके से x square minus 3x plus 4 है आप लिख दीजिए, और v डैश आपके क्या है माइनस, अच्छा माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 अपॉन 2 x माइनस 1 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे। ओके प्लस v आपके पास क्या आया, v 1 माइनस 1 अपॉन 2 x का स्क्वायर हो जाएगा। सही ओके okay, और यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर u डैश कितना है, u डैश आपके 2 x माइनस 1, अच्छा थोड़ा सा इस पर माइनस 3 सॉरी माइनस 3। अच्छा इधर थोड़ी सी कैलकुलेशन हमारी, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करके इस तरह से आप ऐसे ना करें, आप माइनस को ऐसे ही रहने दें ऐसे, क्योंकि हमें कॉमन निकालना पड़ेगा तो इसलिए मैं माइनस को मल्टीप्लाई नहीं कर रहा आपका इस क्या है। अब देखिए कॉमन क्या निकल रहा है, फर्स्ट इसमें से क्या निकल रहा है, 1 माइनस 1 अपॉन 2 एक्स कॉमन निकल गया, एक पावर कॉमन निकल गई। अब इधर क्या बचा, माइनस 1, माइनस 1 इससे मल्टीप्लाई कर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 एक्स आ जाएगा, माइनस 4 आ जाएगा। और इसमें से क्या कॉमन निकला, इसमें से प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 एक्स एक पावर कॉमन निकल गया, ये बच गया आपके 2 एक्स माइनस 3। सही बेटा, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करके एक फॉर्म के अंदर लिख दें, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। बेसिकली आपने डेरिवेटिव प्रोडक्ट का फार्मूला अप्लाई कर दिया। सही, प्रोडक्ट ऑफ दो फंक्शन है, एक दोनों को इंडिविजुअल अलग अलग डेरिवेट करें, फार्मूले में प्लेस कर दें और देन मैनिपुलेट कर लें, आपके पास हो जाएगा ये क्वेश्चन। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन, एल क्वेश्चन देख लीजिए। सही, और फिर 15.1 के भी क्वेश्चन में आपको करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 से ऑनवर्ड मैंने नहीं करवाए थे, मैंने आपको होमवर्क, ऐसा हो नहीं सकता मैंने करवाए होंगे बेटा, मैंने कुछ दिए होंगे क्वेश्चन, अच्छा मैंने कुछ क्वेश्चन दिए होंगे, सारे नहीं दिए होंगे, मैंने कुछ जो एक जैसे होंगे वो दिए होंगे, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि ये शुरू की ये 15 चैप्टर के हर क्वेश्चन करवाऊं, जो सिमिलर क्वेश्चन है वो दिए होंगे। आपने वीडियोज देखी है गौर से, अब यहाँ पर लेट आप ओके चलो मैं करवा देता हूँ, फिर भी मैं करवा देता हूँ। 6 और v हमारे पास क्या है, 1 माइनस 2 एक्स माइनस 4 एक्स स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। अब डिफरेंशिएट करना है तो u डैश मेरे पास क्या आ जाएगा, u डैश मेरे पास आ जाएगा 2x प्लस 0 आ जाएगा, और v डैश बेटा मेरे पास क्या आ जाएगा, v डैश मेरे पास आएगा 0 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 8x। डेरिवेटिव तो आपको समझ में आ रहा है मैं किस तरह से डेरिवेट कर रहा हूँ, ये सारी बातें आपको 15.1 और 15.2 में बेसिक डेरिवेटिव, और v डैश आप कैसे आ जाएगा माइनस 2 माइनस 8x आ जाएगा। अब फार्मूला आपने लिखा, फार्मूला क्या है, u इंटू वी दिस इंप्लाइज लिख दीजिए u डॉट v और u इंटू v डैश प्लस v इंटू u डैश। u क्या है आपके, क्या u आपके से x स्क्वायर प्लस 6 है आपके, और u v डैश आपके कितना माइनस 2 माइनस 8x आपके साथ है प्लस, और v क्या आपके v 1 माइनस 2 एक्स माइनस 4 एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट u डैश आपके कितना है 2 एक्स आपके साथ है, कितना आ गया u डैश आपके क्या आ गया 2 एक्स आपके साथ आ गया। क्लियर, आपने u डैश पुट किया v डैश पुट करके इसको फिर आगे मैनिपुलेट आप करते जाएंगे। अब देखिए बेटा, अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर अगर कुछ कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकाल, कॉमन नहीं निकल रहा, सिंपल अलजेब्रिक मैनिपुलेशन हो रही है, तो अलजेब्रिक मैनिपुलेशन आप क्या हो रही है, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय माइनस टू माइनस टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस 8 एक्स क्यूब आ जाएगा और प्लस प्लस माइनस माइनस आप कैसे आ जाएगा 12 आ जाएगा माइनस 12 और प्लस माइनस माइनस 12 और प्लस माइनस माइनस और 6 मल्टीप्लाई बाय 8 6 मल्टीप्लाई बाय 8 आप कैसे आ जाएगा इट इज 48 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 48x आ जाएगा, कितना आ जाएगा 48x आ जाएगा। क्लियर, प्लस और ये आपने मल्टीप्लाई, आप इनको भी मल्टीप्लाई करते हैं इसको अंदर 2x माइनस 4x स्क्वायर और आप कैसे कह लिया 4x स्क्वायर आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस आपके 8x क्यूब आ जाएगा। सही बेटा, अब आपने क्या कर दिया, अब आपने थोड़े से मैंने जो एक जैसे उनका आप कैसे क्यूब वाली टर्म कौन सी माइनस 16 एक्स क्यूब
और थोड़ा सा जबरा करना जरूरी होता है इस क्वेश्चन में, सही है। 6x² और 46x और -12, ये बेटा आंसर आ जाएगा। ये आपका प्रोडक्ट फॉर्म से आपने क्वेश्चन कर लिया, अलजेब्रा भी कर लिया आपने, प्रोडक्ट फॉर्म से क्वेश्चन कर लिया। अच्छा, अब हमजा ने कहा है, हमजा को 15.1 के क्वेश्चन नंबर 10 से ऑनवर्ड नहीं समझ में आया। देख लीजिए बेटा, मैं 15 के क्वेश्चन 15.1 फिर मैं दोबारा 15.3 पे आ जाऊंगा। जी कुछ क्वेश्चन है जो थोड़े से फ्लो कर दूं, क्योंकि पेपर में आने वाले क्वेश्चन हैं, ये मैंने करवाए भी थे, जैसे क्वेश्चन एक दो करवाए थे। अब देख बेटा, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन 15.1 है, 15.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ये एक्सरसाइज क्या है, एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर 10 कहता है द ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट एट दिस पॉइंट पे, यानी कि 6 है। यानी कि आपको इस पहले सेंटेंस के क्या ट्रांसलेशन है, पहले सेंटेंस की ट्रांसलेशन ये है, y इज इक्वल टू ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स, ये फंक्शन गिवन है, और आपको क्या गिवन है, dy बाय dx एट x इज इक्वल टू 2, -4 पे। ग्रेडियंट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ग्रेडियंट कितना है, 6 है। आप कह रहे फाइंड ए एंड बी, ए एंड बी की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, सही है बेटा जी। कौन किसके रिसर्शन हो रहा है, सही है, ओके ओके बेटा जी। बेटा ऑफ तो नहीं होता ये तो वन पे भी खुला रहता है, सही, ओके बेटा मैंने म्यूट कर दिया। आवाज आ रही है मेरी हर किसी को, क्लियर बेटा, ओके। अब देखिए, अब आपके मेरी आवाज क्लियर है, आप लोगों को मेरी क्लियर आ रही है ना आवाज, जी जी सर जी, ओके। देखें आप रिपीट, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इस सेंटेंस में यानी यहां से लेके यहां तक ये सेंटेंस मैंने पूरा पढ़ा, तो इसका मतलब है डी बाई डी एक्स एट 2, -4 में कितना है, 6 है। ए और बी की वैल्यू निकाल लीजिए, क्या क्या फाइंड करनी, ए और बी की। सबसे पहले तो ये पॉइंट कर्व पे भी लाई कर रहा है, तो पुट आप इस कर्व के अंदर पॉइंट पुट कर दीजिए, पॉइंट क्या है, 2, -4 पुट कर दीजिए, क्योंकि कर्व पे लाई कर रहा है। तो वाई की जगह क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा, और एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 2 का क्यूब प्लस बी बी इंटू टू आ जाएगा, बी इंटू टू आ जाएगा, और ये आपके इसका -4 और 8a आ जाएगा, और प्लस 2b आपके आ जाएगा। अच्छा, 2 कॉमन निकल जाएगा, -4 और ये 2 कॉमन आ जाएगा, तो 4a प्लस बी आपके आ जाएगा, ये इसे कैंसिल हो जाएगा, ये 4a प्लस बी इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई, आपने इसको रोमन में 1 का नाम दे दीजिए, सही है। 2 कॉमन निकाल के 4a प्लस बी इज इक्वल टू -2 आप कह रहे हैं, ये क्वेश्चन बना है। अब आपने फंक्शन को आप पकड़िए, फंक्शन y इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना है, dy dx निकालिए, dy dx आपके पास क्या आएगा, 3ax² प्लस बी आ जाएगा। अब dy dx जहां जहां x है वहां आपने क्या पुट करना है, पॉइंट पुट करना है, पॉइंट आपके पास क्या आ जाएगा, 2, -4 आ जाएगा, 2, -4, तो 3ax² प्लस बी, सही बेटा, ये आपने पुट कर दिया, और dy dx की वैल्यू एट दिस पॉइंट पे कितनी है, 6 है, इधर 6 पुट कर दिया, और ये आपके 4 3 12 a प्लस बी, 12 ए प्लस बी आपके पास आ गया, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब बेटा ये इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 12 ए प्लस बी इज इक्वल टू 6, ये रोमन में 2 कह दीजिए। अब बेटा इन दोनों इक्वेशन को सेमटी सॉल्व करिए, ए और बी की वैल्यू आ जाएगी, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। सेमटी सॉल्व कैसे करेंगे, दोनों इक्वेशन को दिस सिंपल एड कर देंगे, 4 ए प्लस बी इज इक्वल टू -2 और 12 ए प्लस बी इज इक्वल टू 6, सबट्रैक्ट करवा दूंगा, साइन बी की साइन सेम है तो आप कैसे क्या कर दूंगा, सबट्रैक्ट करवा दूंगा, प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये -8a हो जाएगा और ये -8 आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, a की वैल्यू को उठा के मैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर दूंगा, 1 में पुट कर सकता हूँ, तो 4 × 1 प्लस बी इज इक्वल टू -2, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, -6 आ जाएगी, तो ये मेरे पास a और b की वैल्यूज आ गई। क्वेश्चन हमजा समझ में आया आपको, किस तरह से हमने करना है इस क्वेश्चन को हैंडल, किस तरह से करना है, ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है, मैंने इसलिए देखे, मैंने बोला आपको करवा दूं अगर किसी को, ये आने वाले क्वेश्चन है, पेपर में आते हैं। अब आज क्वेश्चन नंबर 11 पे, सही, अब 11 के अंदर बेटा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर आपके पास क्या है, ग्रेडियंट इस पॉइंट पे, सेम क्वेश्चन, ग्रेडियंट -13 है, कहते हैं ए और बी की वैल्यू निकालो, अभी तक अभी इधर तक पढ़ते हैं, फिर आगे क्या कह रहे हैं, शो दैट द टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट वेयर एक्स इज इक्वल टू 1 द सेम ग्रेडियंट, यानी एक और पॉइंट होगा एक्स जिसकी एक्स की वैल्यू 1 होगी, उस पर भी ग्रेडियंट कितना होगा, -13 ही होगा,
सही है, माइनस 13 बी होगा, ये प्रूफ करो, यानी एक्स वन पे तो कोई इशू नहीं है। तो सबसे पहले तो हम ए और बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे ना, ए और बी की वैल्यू से फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें कर्व की इक्वेशन लिखूंगा, कर्व की इक्वेशन के अंदर ए अपॉन एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, और इसके अंदर पॉइंट कर्व पर लाइक कर रहे हैं पुट, आप किस के कर दूंगा पॉइंट, ये पॉइंट कर्व पर 3 कॉमा माइनस 15 पुट कर दूंगा। वाई की जगह क्या आ गया, माइनस 15 ए अपॉन 3 प्लस एक्स की जगह 3 आ जाएगा बी इंटू 3 का स्क्वायर, और ये माइनस 15 और ये आपके 3 एलसीएम आ जाएगा, ए प्लस 9 3 27 बी आ जाएगा, सही है, और माइनस 45 और ये ए प्लस 27 बी, तो ए प्लस 27 बी इज इक्वल टू माइनस 45। इसको बेटा रोमन में 1 का नाम दे दिया, ये इक्वेशन बना ली मैंने रोमन में 1 का नाम दे दिया। ओके ये इधर तक मैंने क्वेश्चन कर लिया, अब मैं इसी पेज पे कंटिन्यू करूंगा, आगे इधर आगे कंटिन्यू करता हूँ। अब मैं जाहिर बात है इस जो कर्व की इक्वेशन है इसको डिफरेंशिएट करूंगा, और इसके डिफरेंशिएट में x की जगह 3 पुट करके ग्रेडियंट की जो डीवाईडी सी माइनस 13 पुट करके दूसरी इक्वेशन डेवलप कर लूंगा। अब मेरे पास क्या ए एक्स पावर कितनी माइनस 1 प्लस बी एक्स स्क्वायर, तो इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है, तो इक्वल इस तरफ भी अप्लाई कर दिया, और यहां पर क्या आ जाएगा माइनस पावर नीचे उतरेगी, ए एक्स पावर माइनस 2 हो जाएगा और प्लस 2 बी एक्स आ जाएगा इसके लिए। ओके पॉइंट जहां जहां एक्स है वहां आपने क्या पुट करना है, पॉइंट आपके पास क्या है 3 कॉमा माइनस 15 पुट कर दीजिए, और ए माइनस ए अपॉन ये नीचे पॉजिटिव हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 बी इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 3 पुट करें, और डी ऑफ डी सी आपने माइनस 13 पुट करना है, माइनस 13 इज इक्वल टू यहाँ पर 9 एलसीएम आ जाएगा माइनस ए, और 96 कितना होता है 96 9 मल्टीप्लाई बाय 6 54 होता है, 96 आप कैसे क्या होगा 9 मल्टीप्लाई बाय 6 इट इज 54 बी आ जाएगा, सही है, और ये आप कैसे क्या आ जाएगा, ये आप कैसे सबसे पहले तो ये 9 मल्टीप्लाई बाय 13 आप कर दीजिए इट इज 117 माइनस 117 इज इक्वल टू माइनस ए प्लस 54 बी आप कैसे हो गया, और ये इधर आ गया माइनस 54 बी, और इसको ले जाए 117, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई बेटा। अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं क्या करूंगा सेवन सॉल्व करूंगा, मेरे पास ए और बी की वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी ए और बी की वैल्यू आ जाएगी, क्लियर। अब मेरे पास ए और बी की वैल्यू कैसे आएगी, तो मैं इन दोनों सेवन सॉल्व करने के लिए इन दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड सब्ट्रैक्ट करवा दूं, ए प्लस 27 बी इज इक्वल टू माइनस 45 और ए माइनस 54 बी इज इक्वल टू आप कैसे क्या आ जाएगा 117। अब साइन चेंज हो जाएगी, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है माइनस ए कैंसिल हो जाएगा। अच्छा 27 प्लस 54 प्लस 27 ये क्या वाली हो जाएगी 81 बी आ जाएगा, 81 बी, और ये माइनस माइनस प्लस होता है 45 प्लस 117 ये क्या 162 हो जाएगा, 162 और ये माइनस में होगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी की वैल्यू 2 आ जाएगी, बी की वैल्यू कितनी आ गई 2 बी माइनस 2 सॉरी बी की वैल्यू आप कैसे आ गई माइनस 2। बी की वैल्यू को उठा के किसी भी इक्वेशन में पुट कर दूं, मैं फॉर एग्जांपल 1 में पुट करता हूं, किसमें रोमन 1 में पुट करता हूं, ए की वैल्यू ए प्लस 27 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 45 और ए की वैल्यू क्या है माइनस 45 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा 27 टू से कितना होता है 27 टू से 54 होता है 54 में से 45 माइनस करूंगा तो 9 आ जाएगा 54 में से 45 माइनस करूंगा मेरे पास क्या आएगा 9 आ जाएगा तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 आ जाएगी। ये ए और बी की वैल्यूज मेरे पास आ गई, ये पहला पार्ट मेरा हो गया, ये मेरे पास क्या आ गई ए और बी की वैल्यूज मेरे पास हमने फाइंड कर ली। फिर रिपीट कर रहा हूँ हमारे पास क्या है कि आपके y इक्वल टू a अपॉन x प्लस b x स्क्वायर की हमारे पास कर्व की इक्वेशन गिवन थी, इस पॉइंट पे ग्रेडिएंट कितना था माइनस 13 था, कहते हैं a और b की वैल्यू निकाले, हमने कुछ भी नहीं किया, सबसे पहले पॉइंट कर्व पे लाकर x y की जगह पुट कर दें, एक इक्वेशन ए बी में बन जाएगी, फिर आपने कर्व की इक्वेशन को पकड़े उसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, और फिर जब डिफरेंशिएट करते हैं x की जगह 3 पुट कर y अगर होगा तो माइनस 15 y तो नहीं होता इसमें क्योंकि इन द टर्म ऑफ एक्सपेंशन होता है, नॉन इम्प्लिसिट आपके अभी यहाँ पर नहीं है पी थ्री के अंदर है लेवल में फंक्शंस तो वहां पर वाई भी होता है वाई भी पुट करते हैं आप। ओके आप कैसे क्या हो गया डी बाई डी की वैल्यू कितनी माइनस 13 पुट करके दूसरी इक्वेशन बना ली, अब इन दोनों इक्वेशन को सेवन सॉल्व कर लिए ए और बी की वैल्यू आ गई, ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट आगे इसके क्या है कि शो करो कि जो ग्रेडियंट सेम है सेम ग्रेडियंट है एक्स इज इक्वल टू 1 पे,
तो कोई मसला ही नहीं। हम देखो अब डी बायोटिक्स हमने निकाला था, डी बायोटिक्स हमारा कितना था, हमने निकाला था आगे पार्ट के लिए, तो डी बायोटिक्स में इधर लिख दूंगा इन द टर्म ऑफ एक्स, उसमें ए और बी की वैल्यू पुट कर दूंगा, वो कितना आया था मेरे पास, मेरे पास माइनस ए, माइनस ए की वैल्यू कितनी है नाइन, माइनस नाइन एक्स पावर माइनस नाइन एक्स पावर माइनस टू आया, ये मेरे पास आया, और क्या आएगा प्लस टू बी एक्स, टू बी एक्स प्लस टू बी एक्स, टू 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 फोर बी, फोर बी आपके साथ माइनस फोर बी आ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस फोर बी आ जाएगा। ओके अब इसमें आपने ग्रेडियंट ग्रेडियंट पुट करना है, इसमें आपने पुट डी और डी, क्योंकि कहते हैं ग्रेडियंट सेम है, माइनस थर्टीन पुट कर देंगे, क्या पुट कर देंगे माइनस थर्टीन पुट कर देंगे, सेम ग्रेडियन है। अब एक्स की दो वैल्यूज आएगी, एक एक्स वैल्यू थ्री आएगी और एक एक्स वैल्यू वन आ जाएगी, तो वन आ जाएगी तो हमारा प्रूफ हो जाएगा ये आपके इसके होगा माइनस नाइन एक्स, ये नीचे जाएगा, इसको पॉजिटिव कर दीजिए, नीचे पावर जाएगी क्या होगी पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर माइनस फोर, क्योंकि बी क्या फोर एक्स है, सॉरी बी की वैल्यू पुट कर दी फोर एक्स है, कितना आ गया फोर एक्स। ओके ये आपके इसका है फोर एक्स, डेरिवेटिव फोर एक्स था, एक मिनट सॉरी, हाँ जी बिल्कुल सही। अब ये इक्वेशन अगर आप जरा गौर से देखें तो आपके पास क्या हुई, आपका माइनस थर्टीन एक्स स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, माइनस नाइन और माइनस फोर एक्स क्यूब आ गया। ओके एक मिनट बेटा एक मिनट, इसमें क्या कह रहा है, इसमें अभी शो दैट द टेंजेंट एट द पॉइंट एक्स इक्वल वन पे टेंजेंट बन रहा है, उसका ग्रेडियंट सेम है, तो ग्रेडियंट सेम है, आप ग्रेडियंट हैज द ग्रेडियंट सेम, ये इतने लंबे तरीके से ना करें, छोड़ें, आपने एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर दे, टेंजेंट एक्स इक्वल वन पुट करें, एक्स इक्वल वन पे नाइन और ये वन का स्क्वायर माइनस, इतने लंबे तरीके से ना करें, वन एक्स वैल्यू पुट, एक्स डी वाई एक्स इक्वल वन पे ग्रेडियंट निकाल रहे हैं, अगर ग्रेडियंट सेम आ जाता है तो प्रूव हो जाता है, इतने लंबे वो मैं दूसरे लंबे तरीके से कर रहा था, सॉरी ये शॉर्ट टेक्निक है, तो ग्रेडियंट कितना आ गया माइनस थर्टीन आ गया, तो ग्रेडियंट आपको शो करना था ग्रेडियंट सेम है, सही है, शो दैट टेंजेंट का ग्रेडियंट क्या है सेम है, तो हेंस प्रूव्ड, आप लिख देंगे हेंस प्रूव्ड ग्रेडियंट क्या आ रहा है सेम आ रहा है, ये बिल्कुल सिंपल टेक्निक सही है, आप करिए क्लियर। मैं सॉरी उसका निकाल रहा था, एक्स की वैल्यू निकाल रहा था, एक्स वैल्यू थ्री आएगी और एक माइनस वन आएगी, सॉरी एक थ्री आएगी वन आएगी, मैं उस तरीके से कर रहा था जो ज्यादा लेंथी था, सही है। ओके बेटा और हमजा और कोई क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन तो मैंने करवा दिए और तीसरा भी कर लो आप, इसी तरह के क्वेश्चंस हैं, ये मैंने क्वेश्चंस करवाए थे एक दो, इतना ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं करवाया, बिल्कुल कुछ क्वेश्चन मैंने 15 वाला करवा दे 15, अच्छा ये भी पहले कर लो आप जब आप कर रहे हैं, 15 भी करवाया था यार मुझे, 15 नहीं तो मैंने आपको 14 लाजमी करवाया, मैंने 15 करवा दूंगा, इसके बाद ये करके 15 करवा देता हूँ और फिर प्रोडक्ट। अब देखो आपके पास क्या है, आपके टेंजेंट बिल्कुल सेम है, अब आप क्या कह रहे हैं इस पॉइंट पे टेंजेंट बन रहा है, वो पैरेलल है क्या इसके, इस लाइन के पैरेलल है, तो इस लाइन के ग्रेडियंट 2 है तो टेंजेंट के ग्रेडियंट भी क्या होगा 2 होगा एट दैट पॉइंट। अब देखो लैंग्वेज में बहुत सारी बातें हिडन है, अब आपके पहले तो आप सबसे पहले तो ये पॉइंट गिवन है, कर्व पे लाई कर रहा है, आप पुट कर दीजिए बी एक्स, तो इसमें आप पुट कर देंगे पुट 1,3, 1,3 आपने पॉइंट पुट कर देंगे 1, सॉरी 7 लग रहा है ये 1, 1,3 y की जगह 3 आ जाएगा, x की जगह क्या आ जाएगा 1, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या आएगी a plus b is equal to 3, ये इक्वेशन नंबर 1 रोमन में आप कह दीजिए। फिर आपने कहा ये जो लाइन है y is equal to 2x plus b, इसका ग्रेडियंट क्या आ जाएगा, m कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, नाउ टेंजेंट पैरेलल टू गिवन, ये पैरेलल के सिंपल है गिवन लाइन, सो तो आपका क्या डी वाइवडिक्स भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इससे मैंने क्या कहा डी वाइवडिक्स कितना हो गया ग्रेडियंट इक्वल होते हैं, तो डी वाइवडिक्स क्या आ गया 2 आ गया। अब मैंने कर्व की इक्वेशन पकड़ी, कर्व की इक्वेशन क्या ए एक्स पावर माइनस वन प्लस बी एक्स, इसको डिफरेंशिएट करूंगा, अब डिफरेंशिएट डेरिवेटिव इसका क्या आ जाएगा माइनस ए एक्स पावर माइनस टू प्लस बी आ जाएगा। अब डी वाइवडिक्स की जगह मैंने क्या पुट कर दूंगा डी वाइवडिक्स, अब किस पॉइंट पे एक्स वन कॉमा, तो जहां जहां एक्स है वहां मैं वन पुट कर दूंगा, जहां जहां एक्स है वहां क्या पुट कर दूंगा 1,3 पर एक्स या 1 माइनस ए अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस बी, और ग्रेडियंट कितना है 2 है क्योंकि वो टेंजेंट के पैरेलल, तो टेंजेंट का जो ग्रेडियंट होगा उस लाइन का ग्रेडियंट, मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोगों को बताया था इफ नाउ लाइंस आर पैरेलल तो ग्रेडियंट्स आर इक्वल टू ईच अदर, सही, तो ग्रेडियंट कितना है 2 और ये क्या माइनस ए प्लस बी, तो दूसरी क्वेश्चन क्या बन जाएगी ए माइनस बी और ए, इसको 2 को माइनस 2,
ये इक्वेशन नंबर टू आ गया। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर दें, ऐड कर दें। a प्लस बी इज इक्वल टू थ्री और a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस टू, तो ऐड करेंगे 2a इज इक्वल टू 1, द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 आ गई। अब इसको उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूं, तो 1 अपॉन 2 प्लस b इज इक्वल टू 3 और b की वैल्यू आप कैसे आ जाएगी, द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 3 माइनस 1 अपॉन 2, इट इज 5.2 आ जाएगी। तो वैल्यू ऑफ b आप कैसे आ जाएगी, 5.2 आ जाएगी। सही है, ये बेटा आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपका हो गया, ए और बी पार्ट आपका हो गया। सही है, क्वेश्चन नंबर 12 क्लियर है बेटा, ये समझ में आ रहा है क्वेश्चन नंबर 12 जी। अब आ जाए ओके 15, क्वेश्चन नंबर 15 भी देख लीजिए बेटा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर क्या कह रहे हैं हमें, क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर कह रहे हैं कर्व है ये 15, क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास क्या है, y इक्वल टू ये फंक्शन जो मैंने और डी बाई डी एक्स निकालना है और हैज द ऑब्टेन x की वैल्यू निकालनी जब ग्रेडियंट कितना हो 15 हो, कोई मसला ही नहीं है। ए पार्ट के अंदर हमने क्या किया, हमने y लिखा x क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x प्लस 11, तो डी बाई डी एक्स हमारे पास कितना आया, डी बाई डी एक्स हमारे 3x² माइनस 6x और आप कह सकते हो माइनस 9 डॉट 1 प्लस 0 और डीवाइडी पुट आपने इसमें क्या करना है, डीवाई ग्रेडियंट कितना के मैंने 15 के मैंने डीवाइडी 15 पुट कर दीजिए, 15 पुट कर दीजिए ग्रेडियंट पहले पार्ट में, ए पार्ट में 15 है, 15 इज इनसे 3 कॉमन निकाल लीजिए, x² माइनस 2x माइनस 3 और ये कैंसिल हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू x² माइनस 2x माइनस 3 और ये x² माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सही है, अब बेटा इसकी वैल्यू x की वैल्यूज निकाल लीजिए, x की वैल्यूज निकालने को आपको कह रहा है ए पार्ट में, तो इस क्वाड्रेटिक फार्मूला को आपने सॉल्व कर x² माइनस 4x प्लस 2 x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो x कॉमन आ जाएगा x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन आएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो इफ x minus 4 is equal to 0, the value of x is equal to 4 आ गए, और if x plus 2 is equal to 0, x की value क्या आ जाएगी, minus 2 आ जाएगी, दो x की values आपके पास आ गए। सही है, ये आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का, क्लियर। सेकंड पार्ट में आपको क्या कह रहे हैं, बिल्कुल सेम है, जो आपका डी बाई डी एक्स है उसको 0 के बराबर रखना है, उसको किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर रखकर सॉल्व कर ले रहे हैं, तो डी बाई डी एक्स आपका कितना आया, डी बाई डी एक्स आपके पास आया आपका 9, आपका ऊपर निकला हुआ है। सेकंड पार्ट में आप क्या करेंगे, तो आपका बी पार्ट में डी बाई डी एक्स आपका जो आया था वो आपने ए पार्ट में इधर लिख लीजिए, कितना है 3x² माइनस 6x माइनस 9 आया था, तो उसमें आपको कह रहे कोऑर्डिनेट्स का पूरा लफ्ज कह रहा है, उसमें तो x की वैल्यूज कह रहा था ना ए पार्ट में, इसमें कह रहे एक्स वाई दोनों निकाल लिए, कोऑर्डिनेट्स का लफ्ज कह रहा है, तो उसका मतलब एक्स वाई दोनों ऑफ द पॉइंट्स वेयर द ग्रेडियंट 0, जहां पर ग्रेडियंट, तो इसमें हमने क्या करना है, डीवाई डी एक्स को 0 पुट कर देना है, पुट डीवाई डी एक्स को हमने क्या पुट कर देना है, 0 पुट कर, 0 इज इक्वल टू इसमें से 3 कॉमन निकाल लीजिए, x² माइनस 2x आपके इसका माइनस 3 और x² तो फैक्टर बन रहे 3x प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, फैक्टर बना लीजिए, x कॉमन आ जाएगा x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन आएगा x माइनस 3, तो बेटा x प्लस 1 एक आ गया और एक x माइनस 3 आ गया, तो बेटा x की कितनी वैल्यूज आ गई, दो वैल्यूज आ गई, इफ x माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 1 आ जाएगी, सिर्फ आपको x की वैल्यू नहीं चाहिए, और इफ x माइनस 3 इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 है, पूरा पॉइंट चाहिए। अब इसी पॉइंट्स को गिवन फंक्शन में, गिवन फंक्शन आपके पास क्या है, y x क्यूब आपके पास क्या है, फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू x क्यूब और आप कैसे कह माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 3x² माइनस 9x प्लस 11 प्लस 11 ये आपका प्लस 11 कर दीजिए। अब आपने वन बाय वन वैल्यूज पुट कर देंगे, अब आपने पहले बैन जब x की वैल्यू क्या हो माइनस 1 हो, अब y की वैल्यू निकाल लीजिए, सही बेटा, अब y इज इक्वल टू माइनस वन का क्यूब माइनस थ्री इंटू माइनस वन का स्क्वायर नाइन इंटू
माइनस वन प्लस इलेवन, और ये माइनस वन हो जाएगा, ये माइनस थ्री हो जाएगा, प्लस नाइन हो जाएगा, प्लस इलेवन हो जाएगा, ट्वेंटी ट्वेंटी माइनस फोर कितना होगा, सिक्सटीन हो जाएगा. पहला पॉइंट माइनस वन कॉमा सिक्सटीन, एक आंसर ये आ जाएगा. सही बेटा. अब दूसरी वैल्यू आपने ली, व्हेन जब x की वैल्यू क्या हो, थ्री हो, y इज इक्वल टू थ्री का क्यूब माइनस थ्री इंटू थ्री का स्क्वायर, आपके इसका माइनस नाइन इंटू थ्री प्लस इलेवन, थ्री का क्यूब ट्वेंटी सेवन होगा और ये माइनस ट्वेंटी सेवन हो जाएगा, ये आपके इसके हो जाएगा, और नाइन थ्री का कितना होता है, ये भी ट्वेंटी सेवन हो जाएगा, माइनस ट्वेंटी सेवन प्लस इलेवन, और ये 27 प्लस माइनस करो 27 में से 11 माइनस करूंगा तो मेरा 9 और 7 कितना हो जाएगा, 27 माइनस 11 हो जाएगा, तो इट इज 16, ये कितना आ जाएगा, माइनस 16 आ जाएगा. वाई तो दूसरा पॉइंट आप इसका 3 कॉमा माइनस 16 आ जाएगा बेटा. ये दो पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स हमारे पास आंसर आ जाएंगे. क्वेश्चन क्लियर हुआ, ये क्वेश्चन समझ में आया आपको, ए बी पार्ट दोनों समझ में आया 15 के जी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे बता दे बेटा. सही है. ओके बेटा, अब हम दोबारा अपनी 15.3 पे आते हैं. 15.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, प्रोडक्ट फॉर्मूले का. सही है बेटा, मुझे क्लोज करना है इस वीक में, बहुत टाइम हो गया 15 चैप्टर को. सही है. ओके बेटा, हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पास क्या है, इसमें भी प्रोडक्ट फॉर्म, दो फंक्शन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई कर रहे हो और उन पर डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा हो तो आप किसके अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, अब इसको आपने डेरिवेट करना है, ये पहला पार्ट है. तो u कौन है, u अंडर रूट एक्स का मतलब 1 अपॉन 2 है, और v कौन है, v आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आप कैसे आपने इनको लेट कर लिया. सही, अब दोनों को u डैश का आएगा, इधर डेरिवेट करें, u डैश आपके 1 अपॉन 2 पावर 3 पावर में एक लेस हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन 2 हो जाएगा, और u डैश आप थोड़ा सा नॉर्मलाइज करें, 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स हो जाएगा. सही है. और v डैश आपके इसका आया, v डैश आया 2 पावर 3 पावर में एक लेस हो गया, आपके 1 आया और अंदर वाला 0 माइनस 1, और ये आपका माइनस 2 और 1 माइनस एक्स, ये v डैश आपके पास आ जाएगा, ये v डैश आपके पास आ गया. अब यहां पर आपने क्या किया, प्रोडक्ट फॉर्म लगा दिया. प्रोडक्ट फॉर्मूला क्या होता है, जब दो फंक्शन क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, u इंटू v, u इंटू v डैश प्लस v इंटू u डैश. अच्छा, u क्या है आपके पास, u अंडर रूट x है. सही, और v डैश आपके साथ कितना है, माइनस टू वन माइनस x आपके साथ, प्लस v कितना है, वन माइनस x का स्क्वायर है, और u डैश आपके साथ कितना है, वन अपॉन टू अंडर रूट x आ गया. मैंने पुट कर दिए ऊपर जो u v और u डैश v डैश. अब कॉमन क्या निकल रहा है, कॉमन बेटा निकल रहा है 1 माइनस एक्स, कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकाल लिया और यहाँ पर क्या बचा, माइनस 2 अंडर रूट x बच गया, और यहाँ पर क्या बचा, प्लस 1 माइनस x अपॉन 2 अंडर रूट x आ गया. अब यहाँ पर क्या है, इसके नीचे 1 है, एलसीएम देखें, डेरिवेटिव हो चुका, अब आपने थोड़ा सा अलजेब्रा करना है, डेरिवेट करना है, यानी कि आपने आंसर को भी एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में आपने लिखना है. तो इसमें यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 अंडर रूट x, और ये इसके नीचे 1 है, ये मल्टीपल 2 2 4 हो जाएगा, माइनस 4 अंडर रूट x x x x हो जाएगा, प्लस 1 माइनस x आपके साथ आ जाएगा, और ये आ गया 1 माइनस x मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 5x अपॉन 2 अंडर रूट x, ये बेटा डेरिवेटिव आ जाएगा अबव क्वेश्चन का, ऊपर वाले क्वेश्चन का आपका डेरिवेटिव प्रोडक्ट फॉर्म से, बिल्कुल सेम सारे क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह के हैं. सही, आपने खुद करने हैं, आपके पास डेरिवेटिव के प्रोडक्ट फॉर्म की थोड़ी सी ग्रिप में लेना है आपने. सही है, तो कल तक ये 1 और 2 के साथ ऑल पार्ट कर दीजिएगा. मैं एफ पार्ट इसका देख लेता हूँ. एफ पार्ट के अंदर बेटा क्या कह रहे हैं, एफ पार्ट के अंदर आपके यू क्या है, एक्स माइनस 1, और बी क्या आपके पास क्या है, 3x2 + 1. तो यहाँ पर ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आपने दोनों को लेट कर लीजिए अलग, एक यू उसको इंडिविजुअल आप उनका निकाल लीजिए प्रोडक्ट, तो यानी कि आपने डेरिवेटिव नहीं, और 3x2 + 1 रूट का मतलब होता है 1/2 पावर. ये यू डैश आपके इसके आएगा 4 × 1 + 0 डेरिवेटिव आएगा, तो यू डैश आपके आ गया 4 आ गया, यू डैश 4 आ गया आपके पास. सही बेटा. वी डैश क्या है, पावर 1/2 नीचे 3 पावर में क्या हुआ, एक लेस हो जाएगा, और ये कितनी हो जाएगी, माइनस 1/2 हो जाएगी, और अंदर वाला फंक्शन क्या होगा, 6x + 0 हो जाएगा. तो इसका नीचे ले जाए, ये कैंसिल हो गया 3, और ये क्या आ जाएगा, 3x, और ये नीचे जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, 3x² + 1 आ जाएगा, ये v डैश आ गया. सही है, ये आप कैसे क्या आ जाएगा, v डैश आ गया. अब आपने क्या कर दिया, प्रोडक्ट फॉर्मूला लगा दिया, प्रोडक्ट फॉर्मूला आप कैसे क्या कर, u इंटू वी, यू बाहर आएगा वी डेरिवेट होगा, प्लस वी बाहर आएगा यू डेरिवेट होगा. अच्छा, यू कौन है आपके, यू 4x + 1
इनटू वी डैश, वी डैश आप किसके थ्री एक्स अपॉन अंडर रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन, और वी क्या है आपके पास, वी आपके पास है अंडर रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन, और यू डैश आपके पास कितना आया, फोर आया। बेटा कुछ भी नहीं हो रहा, अब आप एलसीएम ले रहे हैं और थोड़ा सा नॉर्मलाइज इसको कर लें, बस अल्जेब्रा है, बाकी डेरिवेटिव आपको अल्जेब्रा में क्या आ रहा है, ये अंडर रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन एलसीएम आ रहा है, और ये थ्री फोर जर ट्वेल्व एक्स आ जाएगा, ट्वेल्व एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स आप कैसा आ जाएगा प्लस, और ये रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये ट्वेल्व एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस फोर हो जाएगा रूट कैंसिल, और ये क्या हो जाएगा ट्वेंटी फोर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और आप कैसे क्या हो जाएगा प्लस थ्री एक्स प्लस फोर अपॉन अंडर रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये बेटा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, ये आपके प्रोडक्ट दो फंक्शन के अगर मल्टीप्लाई होके ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन का। ये आपने प्रोडक्ट फॉर्मूले के क्वेश्चन दो तीन क्वेश्चन कर लिए, तो बेटा वन और टू की आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, वन और टू आप अच्छे तरीके से करेंगे, तो कल इसको कंटिन्यू करके कल क्वेश्चन फार्मूला शुरू करेंगे इंशाल्लाह, दो तीन क्वेश्चन और करेंगे इस एक्सरसाइज के, और कल इंशाल्लाह इसको